subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. It's okay. Actually, I'll be honest. Many कुछ clippings आती हैं अगर आप Instagram पे हो तो वो मैं थोड़ी बहुत देखती हूँ. और मेरी mom को पसंद है Bigg Boss. मुझे time नहीं मिलता. तो Anup Jalota and yeah, you, I know कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. But वो उनकी personal life है. If he's 65 and his girlfriend is 20, 28, whatever, तो doesn't matter. How does it matter? हाँ, उनकी life है. It's okay. But yeah, entertainment है. Full on entertainment है. I like Salman, तो मैं उनकी वजह से कभी-कभार देख लेती हूँ. But ये season मैं बिल्कुल follow नहीं करता. I just know this because my headlines पढ़ लेती हूँ. So I know Anup Jalota and his girlfriend. Thank you. जी बिल्कुल मैंने बिग बॉस के एपिसोड देखे एंड आई एम बैंग ऑन आई एम सो एक्साइटेड अबाउट जलोटा जी और दो शब्द उनके लिए कहना चाहूँगी लगा चुनरी में दाग तो आई थिंक ब्यूटी के स्टाइल में मैंने आपको बताया आई वेरी एक्साइटेड एंड मैं जलोटा जी को बहुत फॉलो कर रही हूँ जैसे मैंने बताया और मुझे लव स्टोरी देखनी है जी He's killing it. He's killing it. वो हम लोग को और realize करा रहे हैं कि forever alone का मतलब क्या होता है. हम लोग यहाँ मेहनत करे जा रहे हैं और वो मेहनत करे जा रहे हैं. Thank you guys. Thank you sir. कमाल. मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ उनके लिए कोई चिट्ठी भेज दो कोई चिट्ठी चिट्ठी में लिख दो कि मैं उनका फैन हूँ बहुत अच्छा गाते हैं यार वो उनकी भजन और इनके बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग और बिग बॉस में वो अलग दिख रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो यार बहुत सही है ये तो हाउ नाइस इज दिस तो आई एम एक्साइटेड टू सी Anup Jalota इन बिग बॉस आई डोंट यूजली वॉच बिग बॉस बट Anup जी के लिए मैं ज़रूर देखूँगा थैंक यू मैंने देखा था फॉलो नहीं किया उनके बारे में पता नहीं बट मेरी बहुत अच्छी दोस्त नेहा पेंट से है उसमें उसको बहुत फॉलो कर रही हूँ एंड आई एम लविंग हर शी इज द बेस्ट वो जीत के आएगी एंड होप दिस सीजन बी एज गुड एज द प्रीवियस सीजन सो थैंक यू मुझे तो मौका ही नहीं मिल पाता है देखने का हम लोग जब तक पहुँचते हैं बिग बॉस खत्म हो चुका होता है तो हम लोगों ने मैंने तो देखा नहीं थैंक यू जी मैं नहीं देख पा थैंक यू चलो थैंक यू जी मैं खुद बिग बॉस में था और ऑलमोस्ट 10 वीक्स मैं बिग बॉस में था तो ये एक क्या बोलूँ पेड हॉलीडे है बहुत मज़ा आता है और सब गप्पे मारते हैं Anup Jalota जी तो अच्छे इंसान हैं मैं जितना जानता हूँ बट आते ही जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है तो इंटरेस्टिंग है देखने लायक है देखते हैं आगे आगे कि वो कितना इन्वॉल्व होते हैं अपने प्यार में और जो भी लोगों को पता है और सामने आ रहा है थैंक यू सो मच नहीं मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ एंड मौका नहीं मिलता बिकॉज हम लोग जितना शूट करते हैं हमें टाइम मिलता नहीं है बट आई होप टू कैच अप ऑन द मीडिया ऑन द यू नो सोशल मीडिया आई ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है उसमें टाइम ही नहीं मिलता है प्रोडक्शन इज नॉट गिविंग अस टाइम हमें अपना ही एपिसोड नहीं देखने का टाइम मिलता है थैंक यू छाए हुए थे भजन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं ठीक है वो उनकी पर्सनल लाइफ है वो अपनी लाइफ जिस तरह जीना चाहते हैं सबको हक है थैंक यू अभी फिलहाल मैं सच बताऊं तो मुझे तो टाइम नहीं मिला तो मैं तो अभी तक कुछ नहीं देख पाया हूं बट फॉर श्योर मैं ज्वाइन करूंगा बहुत जल्द लाइक वाइज हम लोग की शूट ही 10:30 तक चलती रहती है तो घर पहुँचते पहुँचते नहीं देख पाते हैं बट श्योरली आई विल वॉच इट थैंक यू थैंक यू आई हैवंट वॉच्ड इट
कल मैं ये देखना बाकी है मुझे, सो आई थिंक एक बार मैं देख लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ इस पर कमेंट कर पाऊँगा. थैंक यू. थैंक यू जी. मैंने एक दो एपिसोड देखे हैं बिग बॉस के, और आई थिंक इस बार काफ़ी क्या कहते हैं नॉन सेलिब्रिटीज़ लोग काफ़ी आए हैं बिग बॉस में, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. मतलब डे वन से मैं देख रही हूँ लाइक चहल पहल है, झगड़े हो रहे हैं, एंड श्रीशांत है इस बार, तो उनका भी अलग रूप देखने मिलेगा हमें. सो या अनूप जलोटा एंड जसलीन की जो जोड़ी है वो मेरी फेवरेट जोड़ी है, एंड आई थिंक एंड आई होप कि वो लोग लंबे जाए, लाइक यू नो बिग बॉस एंड तक रहे, मैं ये चाहती हूँ. सिस्टर और समीर जाएं क्या बिग बॉस में? क्या कहती है, चले? तो मुझे झेल पाओगे बिग बॉस? अरे तुमको तो मैं पूरी जिंदगी झेल लूंगा, चले जाना वहां पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अरे यार, yesterday I was watching him performing as a king. I think he's doing a great job. He was singing also as a king. He was performing as a king, and he was distributing roses to the beautiful ladies around. So he's having fun, I think. Yeah, मैं इतना नहीं देखता. I'm quite busy with my kundli bhagya right now. But जब भी थोड़ा time मिलता है, you know, while switching over the channels and all, I do watch. Yeah, मुझे पता ही नहीं है कि इस बार exactly कितने कॉमनर्स हैं और कितने सेलिब्रिटीज हैं, बिकॉज आई हैवंट वॉच्ड इट कंप्लीटली. सो लेट मी गेट बैक. थैंक यू. हाँ, अभी चालू हुआ है, अभी तो मौका नहीं मिला है क्योंकि हमारे भी शोज में महा एपिसोड्स वगैरह चल रहे थे, बट डेफिनेटली करूँगा. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज. अनूप जी के लिए मेरी बहुत, मतलब मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट है क्योंकि वो बहुत इतने ग्रेट सिंगर हैं और इतने सालों से हैं और सब कोई उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं. बट इट केम एज अ शॉक टू मी कि ही इज़ गॉट अ गर्लफ्रेंड हु इज़ लाइक मच यंगर टू हिम, लाइक 37 ईयर्स ओल्ड. सो आई वाज लाइक ओ वाह. सो ओके, आई मीन इट्स हिज चॉइस, सो आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग. सो दैट्स ऑल. जी एक्चुअली ऑनेस्टली बोलो तो आई एम प्रीटी बिजी शूटिंग ऑल द टाइम फॉर यू गाइस, एंड बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बिग बॉस देखने का. बट आई लव सलमान खान, एंड दैट्स ऑल आई एम गोना से बिकॉज आई डोंट वॉच बिग बॉस दैट मच.